भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों पवन सिंह के साथ जहां जा रही हैं अपनी मांग में सिंदूर भरकर जा रही हैं। अब एक नहीं दो तस्वीरें हम आपको ऐसे दिखाते हैं जहां आपको पवन अक्षरा एक साथ तो दिखेंगे लेकिन बकायदा अक्षरा ने पवन के साथ अपनी मांग में सिंदूर भरी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पवन ने अपनी शादी से पहले कई बार अक्षरा को अपनी होने वाली पत्नी कहकर लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था। यहाँ तक कि जब भी स्टेज शो हुआ करता तो स्टेज शो में पवन अक्षरा को दर्शकों की होने वाली भाभी कहकर लोगों से बताया करते थे। अचानक से पवन ने यू टर्न लिया और माँ के कहने पर ज्योति से शादी कर ली। इस बात से जितने भौचक्के सभी थे उससे कहीं ज्यादा भौचक्की अक्षरा सिंह थी। अक्षरा सिंह के तो पैरों तले जमीन तक निकल गई, लेकिन एक बार फिर पवन और अक्षरा एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। पवन के शादी के बाद ये लग रहा था कि पवन और अक्षरा ने दूरी बना ली है और इसी बीच इन दोनों की लड़ाई की खबरें भी आ रही थी, लेकिन आपसी सुलह से उसे भी इन दोनों ने सुलझा लिया है। एक बार फिर पवन और अक्षरा के इतने करीब आने से ज्योति की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कहा तो ज्योति ने सोचा था कि पवन और अक्षरा की लड़ाई के बाद अक्षरा का पत्ता उनकी लाइफ से साफ हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों से इस तरह की तस्वीरें जब मीडिया में आ रही हैं तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन और अक्षरा के बीच फिर से वही पुराने वाली बॉन्डिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि हाल ही में एक स्टेज शो पर जब अक्षरा को दर्शकों ने कहा कि अपने सैया को बुलाइए तो झट से अक्षरा ने पवन सिंह की तरफ इशारा कर दिया और पवन भी आते अक्षरा को गले लगा लिए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इन दोनों के करीब आने से जहां भोजपुरी दर्शकों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ ये गम का माहौल है ज्योति के लिए, क्योंकि एक पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसी के सामने किसी और को चाहे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।